श्री विष्णु पुराण 13 अध्याय भरत चरित्र। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, मैंने पृथ्वी समुद्र नदियों और ग्रह गण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही सबने प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित लगाए शाल ग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश के प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह सब आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वे महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित लगाए चीर काल तक शाल ग्राम क्षेत्र में रहे। गुरु वाणी में श्रेष्ठ उन भरत जी ने अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय जी, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और ना कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंतन ही करते थे। वे निसंग्रह योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए केवल समृद्ध पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इसके अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे। एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। हे ब्राह्मण, एक पूर्व में उस नदी तीर पर एक आसन प्रसवा अर्थात शीघ्र ही बच्चा जन्मने वाली प्यासी हरिणी वन में जल पीने के लिए आई। उस समय जब वह प्रायः जल पी चुकी थी वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई दी। तब वह अत्यंत भयभीत होकर अकस्मात उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उनका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंग मालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भ भ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मैत्रेय, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उनके बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। हे मुनि, हे राजा भरत उस मृग छूने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे पर वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी सायंकाल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ा रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषय की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो उसके खुरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी चित्रित हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए उत्पन्न हुआ वह मृग छूना ना जाने आज कहाँ रह गया है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सिंगों से मेरी भुजा को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा।
देखो उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और काश सामाध्यायी अर्थात शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इसी प्रकार चिंता करने लगते थे और जब वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त चित रहने से राज्य भोग समृद्धि और स्वजनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उन राजा का स्थिर चित उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। कालांतर में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजल नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों को त्याग किया। हे मैत्रेय, राजा भी प्राण छोड़ते समय स्नेह वश उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन्मय रहने से उसने और कुछ भी चिंता नहीं किया। तदंतर उस समय की सुदृढ़ भावना के कारण वह जंगू मार्ग अर्थात कालंजर पर्वत के घोर वन में अपने पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोतन, अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहने के कारण वह संसार से उपरत हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृगत्व प्राप्ति के हेतु भूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हे मैत्रेय जी, वह सर्व विज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुनि, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उनसे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंस्कृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचैला शरीर मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय जी, योगश्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है वह शीघ्र ही सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहें। हे नवगर्भ के इस सार युक्त वचन को स्मरण रखते हुए वे महामति विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुलमाश अर्थात जौ आदि धान शाक जंगली फल अथवा कण आदि जो कुछ भक्षण मिल जाता उस थोड़े से को भी बहुत मानकर वे उसी को खा लेते और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उनके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का काम कराने लगे। वे बैल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेष्ट थे, अतः केवल आहार मात्र से ही वे सब लोगों के यंत्र बन जाते थे। अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार शून्य और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय प्रशत राज के सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगीश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख माता काली ने एक तीक्ष्ण खर लेकर उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुध्रपान किया। तदंतर एक दिन महात्मा सौवीर राज कहीं जा रहे थे, उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है।
राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन सौवरी राज ने मोक्ष धर्मा के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का श्रेय किसमें है, शिबिका पर चढ़कर इक्षुमति नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उनकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पापमय प्रारब्ध का क्षय करने के लिए उस शिविका को उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों ने श्रेष्ठ द्विजवर तो चार हाथ भूमि देखते हुए मंद गति से चलते थे, किंतु अन्य उनके साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिविका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिविका बाहकों, यह क्या करते हो, समान गति से चलो। किंतु फिर भी उनकी गति इसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे यह क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो। राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर वे शिविका वाहक भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है महाराज। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिविका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया। तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टंडा दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता। ब्राह्मण बोले, राजन मैं ना मोटा हूँ और ना मैंने आपकी शिविका ही उठा रखी है, मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की ही आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखाई दे रहा है, इस समय भी शिविका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहदारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखाई दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ। उनके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषणों की बात तो पीछे करना, तुमने मेरी शिविका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है, तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जंघाएं हैं और जंघाओं के ऊपर दोनों उरू तथा उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वक्षस्थल बाहु और कंधों की स्थिति है तथा कंधों के ऊपर यह शिविका रखी है, इसमें मेरे ऊपर कैसा बोझा रहा। इस शिविका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है, वास्तव में तो तुम वहाँ अर्थात शिविका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ, ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य भी समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुरु के प्रवाह में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, ये सत्व आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत है और समस्त जीवों में कर्म अविद्या जान्य है। आत्मा तो शुद्ध अक्षर शांत निर्गुण और प्रकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही औतप्रोत है, अतः उसके वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नृप, जब उसके उपचय अर्थात वृद्धि अपचय अर्थात क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है। यदि क्रमशः पृथ्वी पाद जंघा कटी उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिविका मेरे लिए भार रूप हो सकती है तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा मिथ्या है तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिविका ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्वत वृक्ष ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है, और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है
उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना हुआ है, जिसमें कि ममत्व का आरोप किया हुआ है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह हुए बुजवर शिबिका को धारण किए हुए मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोले, अहो बुजराज, इस शिबिका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु, कृपया बतलाइए, इस जड़ वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ है तथा आने का कारण क्या है? यह सब आप मुझसे कहिए, मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कही नहीं जा सकती, और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्म फल के उपभोग के लिए ही हुआ करती हैं। सुख दुख का भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है तथा धर्मा धर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? राजन बोले, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है, और कर्म फल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है, किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ, यह नहीं बताया जा सकता। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है अर्थात जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से विराजमान है, वर्तमान है, वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे ब्रज, यह अहम शब्द तो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु आत्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नृप, अहम शब्द का उच्चारण जिह्वा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण के कारण है। अहम मैं नहीं तो क्या जीवा आदि के कारणों द्वारा यह वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं, अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर चरण आदि रूप यह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है, अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूँ? तथा हे नृप श्रेष्ठ, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता था, किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ, यह सब वाक्य निष्फल ही है। तू राजा है, यह शिबिका है, ये सामने शिबिका वाहक है तथा ये सब मेरी प्रजा है। हे नृप, इनमें से कोई भी बात परमार्थतः सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिबिका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, और ना कोई तुम्हें लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है, सब लोग शिबिका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिबिका है, यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठ को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शालाकाओं को अलग रखकर छत्र का विचार करो कि वह कहाँ रहता है, यही न्याय तुमने और मुझमें लागू होता है। अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गौ, अज अर्थात बकरा, अश्व, गज, पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतुक शरीरों में ही है, और जानना भी चाहिए। हे राजन, पुरुष अर्थात जीव तो ना देवता है, ना मनुष्य है, ना पशु है और ना वृक्ष है, ये सब तो कर्म जन्य शरीरों की आकृतियों के ही भेद हैं।
लोक में धन, राजा, राजा के सैनिक तथा और भी जो जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थतः सत्य नहीं हैं, केवल कल्पनामय ही हैं। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमार्थ वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने को ही देख, समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पति का पति और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला, मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपति, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है या पेट अथवा पादादि में से कोई है? तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या है? हे पृथ्वीश्वर, तो इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कर कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तत्व इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।